कहते हैं कि चाचे भतीजे की लड़ाई थी, वो कुरान उठा के उसके घर में ले आया। पर उससे गलती की, बेअदबी है, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि एहतराम करो, अब झगड़ा खत्म करो। हाँ, और सज्जा में ज़मीन पर कोनी लगाएगी और दोनों टांगे एक तरफ से निकाल के बदन भी ज़मीन के करीब लगाएगी ताकि उसका पर्दा कायम रहे। अगर आदमी उमरा करे, तवाफ भी करे, सफा मरवा करके आराम खोल दे, हल्क ना कराए, बाल ना कटवाए, दम भी पड़ गई, फिर वो मजाक बना रखा है तुमने उमरे को। अगर तुम्हें बाल न कटवाने का इतना इश्क है तो खबरदार आइंदा कभी उमरा ना करना। सारी कायनात के बाल इकट्ठे करो, मेरे मदनी के जूते के बराबर भी नहीं। हजूर उसरा फिरवाए तुम, उसरा न फिरवाए तो क्या होगा? उमरा ना करो जनाब, काबा उदास है तुम्हारे लिए। करना है तो इंसानों की तरह करो, सुन्नत के मुताबिक करो। एक बंदा दो शादियां की, एक औरत से तीन बच्चियां थीं, मरने से पहले अपने भतीजे के बेटों के नाम जायदाद कर दी। अब उनका केस चल रहा है, जायदाद सबको मिलेगी, सिर्फ एक को नहीं मिलेगी, एक बीवी की औलाद को मिले और दूसरी को ना मिले। अगर ऐसा कर गया है तो अपने लिए जहन्नम खरीद गया है। अब उसकी औलाद को चाहिए कि सब बहन भाइयों को तकसीम करे शरीयत के मुताबिक। दम का माना यही होता है कि एक बकरा या बकरी जाके दिबे करें। मेरी बीवी मुझसे नाराज है कि मैं वालिद को उम्रे पर लेके आया हूं। बारह उसकी बेवकूफ़ी है, अगर वो नाराज है वालिद को उम्रे पर ले आया हो तो अच्छी बात है। ऐसे में बीवी नाराज होती, कोई गम ना करो, बीवी और मिल जाएगी, बाप तो नहीं मिलेगा। मैं बीमार हूँ, इलाज चल, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमाए। बे औलाद अफराद जो है उनके इलाज करता हूँ। पहले मेरी दवाई का रिजल्ट ऐसा था कि लिबार्टी वाले हैरान होते थे, अब तीन साल से अद्वियात का रिजल्ट ख़राब आ रहा है। अल्लाह डाल दे तो फ़ायदा हो जाए, अल्लाह न डाल तो फ़ायदा ना हो। बहरहाल अब जब भी दवा बनाएं या कुछ करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। मेरी भतीजी कैंसर की मरीज है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। कुछ लोग हर रोज उमरा करते हैं, कुछ तवाफ, तवाफ ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद नबी से उमरा एहराम बांधना बिल्कुल तमीकात है, लाजमी है कि एहराम बांध के आओ। दम वाजिब होने पर दम ही देना है, मक्का मुकरबा में, पाकिस्तान में नहीं दे सकते। मेरी बहन है वहम करती है, हर किसी की नापाक समझ, ये बीमारी होती है, इसको कहते हैं वसवास अलकाहरी। किसी साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो गोली देंगे ठीक हो जाएगी। ये कोई एक जिन शिन नहीं है, बीमारी। एक उम्र के बाद तवाफ के सर पे बाल ना हूँ तो उस तरह फिर मैं बाल हूँ या ना हूँ? मेरी बीवी को बहुत जल्द गुस्सा आता है, अल्लाह उसको हिदायत दे। आप भी जब जाएँ तो उसके सामने ला हौल पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, शैतान भाग जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। मेरी दो बीवियाँ आपस में लड़ती हैं तो लड़ेंगी ही, और क्या करेंगी, तीसरी कर लो तो नहीं लड़ेंगी। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अरबों का एक नुस्खा है, वो कहते हैं कि दो बीवियाँ अगर हों तो लड़ती हैं, अन्नहु फिल नारैन, गोया कि वो दो आग के लकड़ियाँ हैं जो लगी, अगर तीसरी कर लो ना अल्लाह की राह में सारे झगड़े खत्म हो। आप तजर्बा करके देख लो, क्योंकि जब तीसरी आती है ना वो दूसरी वाला नाज तो ख़त्म हो गया ना कि मैं तुम्हारी शौकन हूँ, अब उस पर भी तो शौकन आ गई। पहली खुश हो जाती, अच्छा मुझे तंग करती थी, आ गई ना तुम्हारे ऊपर, वो सब ठीक हो जाता। लेकिन अगर ताकत हो खर्चे की भी और उनके हकूक़ अदा करने की, हकूक़ अदा न कर सकें, खर्चा ना हो, फिर कभी दूसरी शादी भी ना करें, तीसरी तो तीसरी रहेगी। मेरे एक दोस्त थे, वो बड़ी पुरानी बात, मेरे ख्याल में अब तो फौत हो गया होगा, अल्लाह अगर ज़िंदा है तो अल्लाह उसको सीए तो शफा दे, फौत हो गया तो मफरत करे। उसने बुढ़ापे में शादी,
कोई पैसे छैसे आ गए, फसल छसल अच्छा हो गया। मुझे उसने मुझे नहीं बताया, किसी ने मुझे बताया। मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा चाचा सुने शादी की है, क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो? उन्होंने कहा हजरत मैं तो सिर्फ खुश नहीं, मोहल्ले वाले खुश हैं। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं तो बीवी के काबिल नहीं, फायदा तो मोहल्ले वाले उठा रहे हैं। इन्ना लिल्लाह भाई, समझ गया भाई किस पागल ने कहा था शादी कर। कहते जी भाई पैसे आए थे, दिमाग खराब हो गया, दो चार रोज में फूक निकल गई, अब जनाब ठीक है, चुप करके बेगैरत बन के बैठा रहता हूँ। मैंने कहा तलाक दो, जान छोड़ा, तुम्हारे निकाह में होते हुए तो गुनाह ना करे ना, तुम क्यों गुनाह के शरीक बनो? मेरे घर के हालात ख़राब हैं, कोई ना कोई परेशानी रहती, कुछ भी नहीं होता। मेरी बेटी सूरत बकरा पढ़ा करो घर में, दम करो पानी पर, खुद पढ़ो, किसी पीर मौलवी की ज़रूरत नहीं है, खुद पढ़ के दम करो घर में, टेप में सूरत बकरा लगा दो, सारा दिन चलती रहे, शैतान भाग जाएगा, झगड़े सारे ठीक हो जाएंगे। मैं रियाज से बगैर एहराम का बिल्कुल दम पड़ गई, ताइफ से जाके मुलाकात करो, दम नहीं पड़ेगी। मेरी खाल उम्र बारी थी, ईजा लग गया, टिकट भी हो गई, वो फौत हो गई हैं, बहरहाल उनका उम्र तो नहीं हुआ, चूँकि उम्र पे तो नहीं आई ना, आप उनके लिए उम्र करें। आ रही थी ना, आई तो नहीं ना। हदिया कबूल फरमाया, पता नहीं मुझे दम के बारे में मसला पूछा था, मुझे कोशिश के बावजूद दफ्तर नहीं मिला। मेरा भाई, मैंने कहा था यहाँ जो तुलबा बैठे हैं ना, इनमें से आकर किसी को दे दो, ये करा देंगे आपका दम। मैं डेरा गाजी खान से हूँ और मैं, मेरी बीवी बीमार है, अल्लाह शफा करे। अगर जादू का शक है तो सूरत बकरा पढ़ो, सूरत बकरा से बड़ा इलाज कोई नहीं, दुनिया का हर शैतान भाग जाएगा। अगर तवाफ सफा हल के बाद एहराम की हालत में चेहरे के बाल उतरे, कोई बात नहीं, क्यों क्यों दम क्यों हो, जब आपने हल करा लिया एहराम खत्म। एहराम की हालत में आदमी अपना खुद टिंड कर सकता है, कर सकता है। माँ की विरासत जो है वालिदैन की तरफ से मिली है, एक बेटी के नाम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, सब बेटियों को बराबर का हक दे। मैं वजू के बाद थोड़ा सा मुंह से खून आता है, बीमारी है कोई, कुली कर लिया करे, वह हम में ना पड़े। मुझे पता नहीं कि मैंने कितने उम्रे किए हैं, तीन चार बाल मंडवाए, अक्सर कट लगवाए, बहरहाल एकदम एहतियातन दे दो। ताय में रिहाइश है, हाँ अगर हाजियों को मिलने आते हो तो कोई दम नहीं। मैं यहाँ से पाकिस्तान भेजने का कारोबार करता हूँ, हमारा नकद और उधार का अलग रेट है, बहरहाल क्या क्या भेजने का इंतजाम करते हो? बहरहाल पाऊँ, जब नमाज में हूँ बिल्कुल ना दाया ना बाया, कोई पाऊँ ना उठाए ना हिलाएं।